पीछे लगा दो, डिपार्टमेंट आ रहा है सामान ले जाएगा। चलो यहाँ पर जो है हमारे देसाई साहब, जो टू व्हीलर खड़े रोड पे, हमारे देसाई साहब भी आ चुके हैं। चलो गाड़ी अंदर रहो, टू व्हीलर इनको दीवा में, जितना भी गाड़ी है सब गाड़ी अंदर रहो। चलो अंदर टू व्हीलर, जो कस्टमर है जिसके गाड़ी सब आ जाओ इधर से। चानू भाई क्या है ये दुकानें यहाँ पर जो लगाई गई है, तो आप पीछे करा रहे हैं, रस्सी का भी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया। आगे ऐसा है कि आप देख रहे डॉक्टर जितेंद्र वाटी के आदेश के बाद काफी हद तक सभी पत्रकारों से डिस्कशन करके, डिपार्टमेंट से बस डिस्कशन करके, हम लोगों ने कई जगहों पे ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है और खासतौर से रमजान है, बाहर से लोग यहाँ पे खरीदी करने आ रहे, खाने पीने के लिए आ रहे, लेकिन एक लिमिट होती है, लोग रास्ता पूरा बंद कर चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने संघर्ष और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से एक ट्रैफिक कमेटी बनाई है, जिसके अंदर वॉलंटियर इस पट्टे के अंदर अलग अलग काम करेंगे। और हम लोग जैसे रफीक कामदार जी, हम लोग कौसा में, शिमला पार्क इधर, उमरा, बाकी सब लोग हमारे बैशर भाई है, नाजिम भाई है, शाकिब ममना है, क्या बोलते हैं, में से सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करके लेंगे ताकि समस्या दूर हो सके। ये रस्सी के जरिए हम लोग की टाइमिंग है, जो वॉलंटियर है कुछ वॉलंटियर बनाए रहे डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि उनको मदद लगती है डिपार्टमेंट, तो वॉलंटियर चार चार घंटे के अंदर वॉलंटियर देंगे। और हर चार घंटे के अंदर मैं और बाकी शमशर भाई और नाजिम भाई, शाकिर भाई, एक एक घंटे का अपना वक्त देंगे। रफीक कामदार जी, आप लोग से भी ये मेरी विनती है कि आप लोग भी शहर के नागरिक हैं, आप लोग भी वक्त दीजिए, हम मिलकर ही इस शहर को एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक चला सकते हैं। रोड बहुत बड़े हो गए, लेकिन बेढंगे लोगों से खड़े होने के कारण, ट्रैफिक रोड पार्किंग रोड पे करने के कारण ट्रैफिक की ज्यादा समस्या हो रही है। आप देखिए ये गैप पीछे से जो छोड़ा है, अगर ये उन लोग पीछे और चले जाए तो ये रोड बड़ा हो जाता है। एक सिंगल लाइन जाने का रोड है, वो भी रिक्शा जा सकती है। ऐसे में पेशेंट, नागरिक, जो बाहर के लोग आते हैं, उनको जो कौसा में काम करते हैं, मुंबई से आने वाले लोग कौसा में जाते, उमरा स्टेशन पे जाते, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, पेशेंटों को दिक्कत हो रही है और तकरार कंटिन्यू हमें आ रही है। इसके लिए निवारण करने के लिए आने वाले 10 दिन के अंदर और ट्रैफिक बढ़ेगी, कल से ट्रैफिक और बढ़ेगी, लोग खरीदने के लिए और रोड पे आएंगे। इसलिए हमारे शहरवासियों से, हमारे व्यापारियों से, हमारे प्रेस वालों से, पुलिस डिपार्टमेंट और टीएमसी से हम मिलकर सहयोग करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एक कदम उठा रहे हैं। चानू भाई, शहर के कई लोगों का ये भी कहना है, जो जानकार लोग हैं, कि अगर ये हॉकर को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और एक ब्रिज, एक मुंद्रा ब्रिज, अमृत नगर से शिमला पार्क तक एक ब्रिज का निर्माण भी कराया जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था हल हो सकती है। इस तरह से आप लोगों को रमजान के महीने में दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ऐसा है, हम लोगों ने ब्रिज की मांगनी जब मैं विरोधी बंग देता था तभी कर दिया, कोविड के कारण महापालिका के पास जो बचे हुए काम है वो नहीं हो पा रहे, महापालिका की हालत भीख की तरह हो गई, पगार देने के लिए नहीं है, ब्रिज है ना ब्रिज है ना ब्रिज इन्हें आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह ताला ब्रिज की मांगनी पुल पे है,
बजट जैसे ही महापालिका की स्थिति सही हो जाएगी आने वाले वक्त के अंदर ब्रिज बनेगा, लेकिन ब्रिज का भी कम से कम आपको 5 साल जाएगा। जब तक हम शहर को ऐसा नहीं छोड़ सकते तब तक हॉकर को भी कहीं और हॉकर जोन दे दो ना। चल रहा है तो सारी चीज चलेंगे, लेकिन अभी जितना है उतने में हम सहूलत करके निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं।